वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम डिज़ाइनिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार से मिलने वाली सिल्क पाइपिंग की मदद से हम अपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग किस तरह कर सकते हैं। अगर हम डिज़ाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक यूज़ करें तो फिर उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि फैब्रिक कलर छोड़ देता है, लेकिन सिल्क पाइपिंग में ये मसला नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने पाइपिंग में से डोरी को निकाल लिया है और उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अब हम इसकी मदद से डिज़ाइनिंग करते हैं। 2.5 इंच का मैंने एक स्क्वायर पीस लिया है, इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। अब सिल्क पाइपिंग के इस फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा तिरछा करके रखा है और यहाँ पर मैंने इसकी पाइपिंग बना लेनी है। देखिए, इस तरह फैब्रिक पर मैंने डिज़ाइनिंग की है। इसकी मदद से आप अपनी शर्ट की स्लीव्स, दामन और ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं। एक और डिज़ाइनिंग मैं आपको सिखा रही हूँ जो कि समोसा स्टाइल में बनती है, ये भी बहुत फैशन में है। सिल्क पाइपिंग की मदद से मैंने बनाई है अपने ट्राउज़र के लिए बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रिप्स, जिससे मैंने अपने ट्राउज़र की बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है। इसी फैब्रिक की मदद से हम ट्रायंगल्स भी बना सकते हैं, जिससे हम अपने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करके उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।